कोविड-19 कोरोना वायरस से आज पूरा देश लड़ रहा है। जैतपुर ब्लॉक ग्राम पंचायत अकौना में कोटेदार बंदूकधारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने अपनी राशन की दुकान का मेडिकल लगा दिया गया है। राशन की दुकान दूसरे एक दबंग कोटेदार के यहां पर दर्ज करवा रखी। कोटेदार का नाम श्रीमती भारती पत्नी मुन्ना लाल यादव ग्राम कैथौरा भारती का पति मुन्ना लाल यादव शराब पीकर राशन की दुकान चलाता है और लोगों को अपशब्द भाषा का प्रयोग करता है, क्योंकि ग्राम पंचायत अकौना अकौनी के कैथौरा की दूरी 4 किलोमीटर पड़ती है। जो वृद्ध लोग हैं वो वहाँ पर नहीं जा पाते। इन सभी गरीब मजदूरों की मांग है कि हम राशन लेने कैथौरा नहीं जाएंगे, हमारे ही गांव में राशन मिलना चाहिए। कुछ लोगों के राशन कार्ड पर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता कोटेदार ने 3 से 4 माह से राशन नहीं दिया और अंगूठा लगवा लिया। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग उप जिलाधिकारी कुलपहाड़ के सामने अपनी बात रखेंगे और कुलपहाड़ खाद्य आपूर्ति अधिकारी कुलपहाड़ को जिम्मेदार ठहराएंगे। जब कुछ पत्रकार साथियों ने ग्राम पंचायत सचिव अकौना व खाद्य आपूर्ति अधिकारी कुलपहाड़ से बात की तो उन्होंने कोई जवाब संतोषजनक नहीं दिया। गांव की जनता का कहना है कि मजदूरों के लिए राशन सामग्री की व्यवस्था गांव अकौना में ही उपलब्ध कराए। समस्त ग्राम वासियों ने इसके संबंध में अपर आयुक्त चित्रकूट धाम बांदा को लिखा शिकायत पत्र। जैतपुर से लाल मोहम्मद की रिपोर्ट। नाजनी दे एक बार को तो लिख ले तो देत भी नहीं है दोबारा, बताओ क्या करे। कहाँ का कोटेदार है जी? कैथौरा का। अच्छा, इसका नाम क्या है? राजेंद्र, जो अकौनी अकौना का है राजेंद्र। तो राजेंद्र कोटेदार क्यों नहीं गल्ला बांटता जो वहाँ कैथौरा में अटैचमेंट से दुकान करा के रख दी है? पता ही नहीं हमें, क्यों नहीं बांट रहा हूँ। चलो इसके साथ हम कुछ महिलाओं से और बात करेंगे। माता जी, आपका नाम क्या है? कहाँ के निवासी है? आपको क्या समस्या हो रही है? अच्छा अच्छा, तो एक किलो अंडा कम तोलता है और समय पे नहीं देता है, आप लेने जाते तो गाली गलौज भी करता। कहाँ के निवासी? क्या समस्या हो रही है आपके साथ? ये कि यहाँ से वहाँ जा देने की बहुत दिक्कत हो रही है और कानम की वहाँ जाते हैं तो गल्ला कम देता है, दारू पी के सोचा करता है, लेना है तो ले, लेना हो तो लो, तब घर जाओ। कहाँ का कोटेदार गाली गलौज करता है? अच्छा अच्छा, हाँ। गाली गलौज करता है, हाँ, दारू पी के, और गल्ला भी कम तोलता है? गल्ला भी 1-2 किलो कम कर देता हर। चलिए ठीक है, हम तो रुक जाते हैं। नाम क्या है आपका? राजकुमारी। कहाँ की निवासी हो? अकौना। अच्छा अच्छा, जो आप मनरेगा से काम कर रही हैं, ठीक है, जो गल्ला कोटेदार है वो क्या आपसे पैसा वसूल करता है? पैसे लेता कम तो हम गल्ला लेके आए। तो आपको कहना चाहिए कि जब हमारा श्रम कार्ड बना है, मनरेगा कार्ड है, तो हमारे पैसे क्यों लिए जाते हैं? बोलते इसमें चढ़ाईना है ना महीना है। अच्छा अच्छा, इसकी शिकायत आपने सचिव साहब से बताई अपने? अभी ना बताई। अच्छा, कल तो हम लेने गए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। कहाँ के निवासी? अकौना। क्या समस्या हुई है आपके कोटेदार के प्रति? कोटेदार की समस्या जा है कि राजेंद्र है वो दूसरे गांव में बांटता है। अच्छा अच्छा, हाँ, वो इतनी समस्या कि हम जा नहीं पाए, वहाँ जाती है तो दारू पी के ड्रामा भी करता है वो। अभी वर्तमान में जब आप गल्ला लेके आए तो दारू पिए था? अभी तो नहीं पिए था, कल पिए थे दारू। अच्छा। कल भगा दिया था, अंगूठा नहीं लगा था, बोले अंगूठा नहीं लगा कल। तो आपका कोई श्रम कार्ड या जॉब कार्ड बना है? नहीं, जॉब कार्ड बना है। तो जॉब कार्ड से पैसा लिया है, निःशुल्क दिया? पैसा लिया। पैसा लिया, हाँ। तो आपको बोलना चाहिए जब मेरा जॉब कार्ड बना तो पैसे क्यों लिए? कहते रहे जी आप कार्ड सही नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो कहना क्या मैंने बनाया है? कह रहे तेरे काम नहीं किया है तो फिर तुझे को पैसा लगेगा। अच्छा अच्छा, कहाँ की निवासी हो? अकौना की। क्या समस्या हो रही है आपके साथ? क्या हो रहा है कि कोटेदार लोग जासो देते ही नहीं है गल्ला पानी। अच्छा, क्या कहने लगता है? कह रहा कि आधार कार्ड दे इसका, और 3-4 बार आधार कार्ड दे चुके और भगा देता है। जो आपका जो कार्ड बना है, ये लाल कार्ड है, अंत्योदय कार्ड है, अंत्योदय कार्ड है ना? अरे हम आपसे पूछ रहे, अंत्योदय कार्ड है? लाल कार्ड है ना जी आपका? नहीं, तो कितने महीने से इस पर गल्ला नहीं दिया? 4 महीने हो गए। 4 महीने से गल्ला नहीं दिया, वापस भगा दिए। बस भाई, क्या क्या दिक्कत आती है? अंगूठा नहीं लगता, क्यों भगाता है? अंगूठा लगता है इसमें, कुछ नहीं कहता, लेन में लगे लगे और वापस भगा देता। वापस भगा देता। नाम क्या है आपका? राजू कुशवाहा, अकौना प्रधान जी। अच्छा अच्छा, अकौना प्रधान है आप जी? अकौना प्रधान है। बताइए सर, गाँव में बहुत समस्या है, इसमें राजेंद्र कोटेदार ने वहाँ केरा अटैच कर दिया कोटा कैथौरा में।
अब सर वहाँ बूढ़े बुजुर्ग आदमी जे तो जा नहीं पा रहे, कोई जो लायक है वो जा पा रहा है सिर्फ। और दूसरी बात के जाता भी है तो आदमी गांव के निकाल देते हैं कि गांव के ये बीमारी चल रही है तो हमारे गांव में क्यों आते हो। तो आदमी हमारे पास भी आ जाता है कि भाई प्रधान जी और हमको गल्ला पानी नहीं मिल रहा है, अपने गांव में बटवाइए। तो सर हम यही कोशिश करते हैं और हमने ऑनलाइन शिकायत भी डाली है, कोई हमारी सुनाई नहीं करता है। कोई भी अधिकारी हो वो कह रहा है कि मैंने डीएम से मतलब इनसे लिखवा लिया है एसडीएम साहब से कि मतलब हमारे वहाँ गुंडागिर्दी करते हैं अकोना में, हम वहाँ न बांटेंगे। यहाँ सर कोई गुंडागिर्दी नहीं करता है, लेखपाल भी बैठे बैठे उनने भी बटवाया है, अभी पिछली बार हमने भी पिछली बार बटवाया है और कोई गुंडागिर्दी नहीं हो रहा है। और जो कुछ ज्यादा कहता है तो राजेंद्र सेठेदार कोटेदार ये बंदूक लेके आ जाता है, जिसका पहले महीना का चार चार महीना का बाकी है, तो उसको बंदूक देता है, हड़की देता है। वो कहता है नहीं भाई मैं तो बीमार हूँ और मैंने कोटा अटैच कर दिया उधर। अब मैं और जो साहब डेली आता है, एक आध दिन छोड़ के डेली आता है, ना कोई बीमार है ना कुछ है, सिर्फ आदमी को हड़की मारता है। कैथोरा में अटैच किया है, इस कोटेदार का क्या नाम है? इसका वो चौकीलाल, चौकीलाल है। अब नाम जिसके वजह चौकीलाल बांटता है। तो ये दबंग है या दारू पी के? ये दबंग है, दारू पीता है वो। हाँ, औरतन को भी बिठाता है तो औरतें कहती हैं कि जितना हम दें उतना ले जाओ और नहीं तो चाहे किसी को भी सुना दो। अच्छा। तो हमारे पास फिर भी जनता आती है कि सर ऐसे ऐसे बात होती है, तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव में बटे। अकोनी से कैथोरा कितनी दूर? किलोमीटर कम से कम 4 किलोमीटर है, 5 है, घेर के जाते 5 किलोमीटर पड़ रहा है। लोग कैसे जाते होंगे? अबे कैसे जाते हैं, वे तो जाते हैं, अंगूठा ही लगता था फिर वापस लेटक आते हैं वो। अब कई बार हो जाता है बताओ, बिल्कुल परेशान चलते हैं उससे। इन लोगों को कार्ड नहीं था तो क्या आपने इन लोगों को मनरेगा का कार्ड दिया है करने के लिए? हाँ, इन लोगों को मनरेगा दिया कि भाई चलो अपनी खंती डालो, इसमें पैसा आएगा तो अपने ऐसे बच्चा पालो, अपना पेट पालो। जो आपके सचिव हैं वो आलोक द्विवेदी जी कभी देखने आते हैं ऐसे जो काम कर रहे मजदूरों को? कभी नहीं आते हैं? ये आते हैं मतलब अभी तो काम चालू हुआ है, अभी तो जैसे काफी देर से बंद बना रहा है, अब चालू हुआ है। अब आएंगे वो देखेंगे कि हमने बात भी की उनसे, भी कह रहे हम आ रहे, हम देखेंगे, हम आपकी समस्या हल करवाएंगे और आपको कोई दिक्कत ना आएगी। तो हमने और भी कर दिया सर, जितने भी अधिकारी हैं हमारे तहसील के सप्लाई इंस्पेक्टर जो भी है, तो सर हमने शिकायत डाली, कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए जनता परेशान है। गांव की बीमारी से वैसे नहीं आदमी घुसने देता है, और किसी किसी आदमी का तीन तीन चार चार महीना का बाकी है, आप आके देख लो, चेक कर लो, जांच कर लो। और उसी में धमकी देता है कि आधार कार्ड नहीं दिया है, आधार कार्ड भी तीन तीन बार दे दिया जनता ने, फिर भी कह रहा आधार कार्ड लिंक नहीं है। इसकी समस्या कैसे हल होगी, आपको तहसील में कैसे किया जाएगा? ऐसा हमको साहब हमारा निर्णय मिल जाए, हमारी जनता को राशन पानी मिल जाए।